देखो ये कपल किसे बोलते हैं, कपल है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो बॉडी को रोटेट करती है इज अ कपल। तो जैसे एक फोर्स ऊपर है एक फोर्स नीचे है, इनके बीच में डिस्टेंस डी है और ये इनके बीच में इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ओ। तो इसके अंदर कपल टॉर्क क्या होगा, एफ फोर्स क्या टॉर्क जनरेट करेगी, एफ फोर्स ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि कितने है ओबी, एफ इंटू ओबी, और ऐसी ये क्या करेगी एफ इंटू कितना एओ। तो दो टॉर्क जनरेट होंगे यहां पर। अब कैसे सोचना है, ये ऐड करना है नेट टॉर्क सबट्रैक्ट करना है। अगर ये फोर्स यहां लगेगी तो बॉडी को कैसे घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसी ये अगर फोर्स लगी तो बॉडी को कैसे घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नेट टॉर्क क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे नेट टॉर्क आएगा। तो यहां से एफ कॉमन आ गया, डीओ प्लस एओ, डीओ प्लस एओ जो कि क्या है डी, तो यहां पर डी आ जाएगा। तो नेट टॉर्क क्या होगा, फोर्स मतलब आइदर फोर्स एफ और एफ में से कोई भी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो एफ फोर्स है और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है डी है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी एफ इनटू डी, राइट। लेकिन अगर मैं फोर्सेस को ऐसे लगा दूं तो एक फोर्स ऊपर है दूसरी फोर्स भी ऊपर है, तो ये कितना टॉर्क जनरेट करेगी एफ इंटू एओ, और ये कितना टॉर्क जनरेट करेगी एफ इंटू ओबी, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन देखें, ये फोर्स क्या करेगी बॉडी को कैसे घुमाएगी क्लॉकवाइज, और ये कैसे घुमाएगी एंटी, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से कोई तो टॉर्क बड़ा होगा, इसका जो भी प्रोडक्ट होगा, मान लो ये बड़ा है और ये छोटा है तो बड़े में से छोटे टॉर्क को माइनस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बड़ा होता तो एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे लॉज ऑफ मोशन में हम नेट फोर्स निकालते थे, एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स राइट है एक लेफ्ट है, नेट फोर्स क्या है बड़ी में छोटी फोर्स को माइनस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें हम नेट फोर्स की जगह नेट टॉर्क निकालते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है।